किसी को दुकान आई, मैं सबसे छोटी थी मेरे हिस्से में माँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊँ, माँ से इस तरह लिपट जाऊँ कि फिर से बच्ची हो जाऊँ। प्यार साथी, और मैं जिस हस्ती का जिक्र करने लगी हूँ उस रिश्ते का नाम अदा करने के लिए मेरे दोनों होंठ आपस में मिल जाते हैं। दोनों होंठों का आपस में मिलना इस बात का सबूत है कि लफ्ज़ शहर से ज्यादा मीठा, समंदर से ज्यादा गहरा और पहाड़ों से ज्यादा बुलंद है। अगर मैं इस रिश्ते की अजमत बयान करना शुरू करूँ तो मेरी पूरी उम्र भी इस रिश्ते की अजमत बयान करने के लिए कम है। एक शायर ने इस रिश्ते की अजमत को यूँ बयान किया है, ये ऐसा कर्ज है जो मैं कभी अदा नहीं कर सकती, ये कैसा कर्ज है जो मैं कभी अदा नहीं कर सकती, मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ से देर में रहती है। प्यार साथियों, जी तो चाहता है कि सारी जिंदगी लफ्ज़ का व्यर्थ करती रहूं, जी तो चाहता है कि सारी जिंदगी लफ्ज़ का व्यर्थ करती रहूं, लेकिन फिर भी मेरी चाहत की प्यास बुझ नहीं सकती। मेरी तमाम साथियों से इल्तिजा है कि जिनके पास ये खुदा का दिया हुआ अनमोल तोहफा मौजूद है, वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक, खून के आखिरी कतरे कतरे तक इस अनमोल तोहफे की तरह हाथ चूम लीजिए कि चूमते चूमते कदमों से दम निकल जाए, लेकिन फिर भी इस रिश्ते का हक अदा नहीं हो सकता। मैं अपनी तकदीर का इख्तिताम इन इशार से करती हूँ, मुख्तसर होते होते भी जिंदगी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते होते भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आँखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाए। मेरे गुनाहों को इस तरह धो देती है माँ, मेरे गुनाहों को इस तरह धो देती है माँ, बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। शुक्रिया।